आज मैं बताने वाली हूँ कि सबको हनुमान जी की प्रेरणा का पता है और हनुमान जी की शक्ति का पता है कि वो कितने पावरफुल हैं। ऐसे ही पंचमुखी हनुमान जी जो हैं उनकी फोटो मात्र लगाने से, चित्र अगर लगा लें हम, तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। पहली चीज़ है कि हनुमान जी का ये अगर चित्र आपके घर में है और अगर आप इसको मंगलवार को लेके आते हैं तो आप मान लीजिए हनुमान जी ने आपको एक वरदान दे दिया जिसका नाम है विजयी भव। तो हनुमान जी के अंदर इतनी पावर है कि वो आपको आपके दुश्मनों से, आपके कॉम्पिटिशन से, जो भी जहाँ से भी आपको संकट लगता है वहाँ से आपको निजात करते हैं। क्योंकि आपने वो कथा तो सुनी होगी कि रावण के कैद से उन्होंने नव ग्रहों को छुड़वाया था। बिल्कुल। तो जिसने सारे ग्रहों पे उनको रावण ने बंदी बना रखा था तो हनुमान जी ने ही उनको छुड़वा लिया। तो आप पे तो किसी भी ग्रह का कोई असर ही नहीं होगा अगर आप पंचमुखी हनुमान जी के शरण में आ जाए, सारे ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम हनुमान जी का पंचमुखी चित्र अपने घर में लेके आते हैं। आप ये बता रहे हैं कि मंगलवार को लेके आए तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई चित्र उनकी जी? अच्छा। तो मंगलवार को आप हनुमान जी का चित्र लेके आए, पंचमुखी हनुमान जी का। और ध्यान रखें कि आपका जो चित्र है वो साउथ को फेस करे, मतलब दक्षिण को फेस करे, देखना उसने दक्षिण में है, यानी उत्तर तो, की दीवार पे लगा दें। हाँ जी बिल्कुल, उत्तर की दीवार पे लगाएं ताकि वो साउथ को फेस करे। इससे क्या होगा, इससे आपको एक वरदान तो मिल गया विजयी भव, दूसरा वरदान मिल जाएगा क्योंकि साउथ जो डायरेक्शन होती है वास्तु के हिसाब से वो प्रसिद्धि की होती है। अच्छा। तो आपको दूसरा वरदान मिल जाएगा प्रसिद्धि भव, आप पॉपुलर हो जाओगे। आप कोई भी काम करते हो तो आपको पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको लोग पसंद करना शुरू कर देंगे। जिन लोगों की होती है कि हम करते तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारी कोई कदर नहीं करता या हमें कोई पूछता नहीं है, तो आपकी कद्र होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये एक बहुत ही चमत्कारिक फोटो है या चित्र है। हम पर्सनली ये सजेस्ट करते हैं कि आप आइडल ना लेके आएँ, मूर्ति ना लेके आएँ, प्रतिमा ना लेके आएँ, क्योंकि उसके अपने कुछ वो होते हैं। क्योंकि कोई भी मूर्ति जो है वो 3-4 साल में एक्टिव हो जाती है। हाँ, पूजा होते होते वो प्राण प्रतिष्ठित एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं। लेकिन आप फोटो बेझिझक ला सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लगता है कि डर है घर में और तनाव है, या फिर किसी ने कुछ टूना टोटका किया है, या छोटे बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है, या आपको खुद को भी लगता है कि आसपास के लोग बहुत जेलस हैं और हमेशा नज़र रखते हैं, तो ये जो चित्र है पंचमुखी हनुमान जी का ये बहुत आपको फ़ायदा देगा। लेकिन फ़ायदा कब देगा, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सिर्फ चित्र लगाने से काम नहीं होगा, तो चित्र के साथ साथ आपको आपकी साधना भी बढ़ानी पड़ेगी। साधना को बढ़ाएं, भक्ति बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं। अभी कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम बैठते तो हैं पाठ करने के लिए, कई बारी मन भटक जाता है या गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए भी ये जो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र है ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और आपको ना, आपको वरदानों को देखना है। जब आपके मन में विचार आए कुछ गलत, तो आप वरदानों के बारे में सोचिए। वरदान आपको क्या मिल रहे हैं, आपको हनुमान जी के चित्र देखते ही आपको लगेगा अरे वो तो मुझे वरदान दे रहे हैं विजयी भव। तो ये विजयी भव का वरदान है कि आप ये कुविचारों पे, ये जो अशुद्ध विचार चल रहे हैं, आप इन पे विजय पा लो। और इसके साथ साथ आप काफ़ी परेशानियों से दूर रहते हैं, आपकी आयु भी लंबी होती है। तो प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ को नियम बनाएं, सुबह जल्दी उठें, नहा धो के दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाएं। मैं नहीं प्रेफर करती कि कोई बार बार सरसों का तेल का दीपक जलाए। हाँ, आप घी का, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और कुछ भोग ला के रखें, कुछ मिष्ठान रखें, कुछ फल रखें, और अगर आपकी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, तो 5 प्रकार के फल रखें।
और भोग लगाएं, उसके बाद आप अपना पाठ करें पूरा फोकस्ड होके। अगर आपका फोकस नहीं बनता तो वहीं पे अपने आप को स्टॉप करें जिस लाइन पे आप रुके हैं, और दोबारा से रिपीट करें उसको। तो बार बार आप अपने आप को एक तरह से सजा दे रहे हैं कि मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, मन को सजा दे रहे हैं कि मन तू भटक रहा है तो तेरे को अब दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और मन थक जाएगा जब बार 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 उसको करना पड़ेगा। तो ये मन को काबू करना हमें आना चाहिए, और जब आप फोकस्ड होके पाठ करते हैं तो आपको तो हनुमान जी जो है वरदानों से। जी जी, अच्छा भक्तों को ये भी बता दें कि जो लोग मंगलवार को कोई तस्वीर लाएं, चित्र लाएं, तो किस प्रकार से उस दिन हनुमान जी की आराधना करें? आपको सुबह जल्दी उठना है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी के मंदिर जाके माथा टेकें और प्रभु से विनती करें कि हम आपका ये चित्र जो है परचेज करने के लिए जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं। तो मंगलवार के दिन पहले हनुमान जी की आज्ञा लें, उनसे विनती करें कि हम आपका ये चित्र जो है अपने घर में लेके आ रहे हैं, तो आप खुद आएं, और आप ऐसे जाएं कि आप प्रभु को लेके आ रहे हैं घर पे, इस थॉट के साथ, इस फीलिंग के साथ, और आप देखेंगे कि आपके घर की जो एनर्जी है वो बिल्कुल चेंज होगी, उसका वातावरण ही चेंज हो गया, तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके साथ साथ आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें राम चालीसा में कहा गया है, या को पाठ करे जो कोई ज्ञान प्रगट ताके उर होई। अच्छा, तो अगर हम कोई भी पाठ करते हैं तो हमारे अंदर क्या आ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है। तो ज्ञान बढ़ना बहुत जरूरी है किसी साधना के लिए और किसी साधक के लिए। जब आप ज्ञान से विहीन हैं और आप सिर्फ रट्टा मार रहे हैं या पढ़ते जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका ज्ञान बढ़े और आपको एक अंदर से ये फीलिंग आए कि मुझे और पाठ करना है, और भक्ति चाहिए। तो जब ये और बढ़ता है तो ये एक निशानी है कि आपकी भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न हैं और आपको और जो है वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखें, और पंचमुखी हनुमान जी का जो फेस है वो नॉर्थ की साइड ना लगा के साउथ फेसिंग होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और पंचमुखी हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इतने मजबूत हैं कि आपके जो ग्रह बाधा, ग्रह पीड़ा या कोई नज़र दोष, टूना टोटका किसी के ऊपर होता है तो वो भी क्लियर हो जाता है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इतने पावरफुल देवता को अपने घर लेके आ रहे हैं। जी जी।